हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल एट द विशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी डिस्कस अबाउट द बिजनेस फॉर क्लास 11th एंड दैट चैप्टर इज आवर फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. तो हमारा पहला चैप्टर है नेचर और पर्पस ऑफ बिजनेस. ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा बिजनेस का. इसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, तो जिसमें हमारा पहला आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. कॉमर्स और ट्रेड की हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे. देन इंट्रोडक्शन ऑफ मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन बींग्स किस किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है उसके बारे में हम बिजनेस में लेंगे अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कॉन्सेप्ट. फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसकी मीनिंग और उसके टाइप्स के बारे में. डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इसके बारे में. आफ्टर डैट कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसकी विशेषताएं जो होती है बिजनेस की उसके बारे में बात करेंगे. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक सोशल एंड इंडिविजुअल. सो बिजनेस में इकोनॉमिकली सोशियोलॉजिकली और इंडिविजुअली क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. देन आफ्टर रोल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का रोल क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. तो हम इसके बीच में भी पढ़ेंगे. तो पहला हमारा टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो इंडिया हैज़ एन इन नॉर्थ, इंडिया हैज़ हिमालय इन नॉर्थ बॉर्डर बाय द वाटर इन साउथ. इंडिया गॉट द कनेक्ट टू एडजॉइनिंग द फॉरेन कंट्रीज थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड लीडिंग द स्किल रूट. अगर हम नॉर्मली बात करें तो इंडिया के नॉर्थ में देखें तो इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, जबकि साउथ की बात करते हैं तो वहाँ सी साइड्स है. और भी जो हमारे ट्रेडिंग सेगमेंट की बात करते हैं तो हम हिमालय से तो नहीं, लेकिन हम अगर देखें हिमालय के वे भी जाएं तो सिल्क रूट के बेसिस पे हम अपने ट्रेडिंग को मेंटेन करते हैं. और बाद में अगर नॉर्दर्न सेगमेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सी वेज के थ्रू हमारी ट्रेडिंग जनरेट होती है. यानी कि पहले हम सी वेज से और फिर बाद में सिल्क रूट से, यानी कि बाय द वे ऑफ पाथ हम अपने बिजनेस को डील करने का काम करते थे, अपने ट्रेड को चलाने का काम करते थे. अगर हम बात करें ईस्ट से वेस्ट तक हमारे पास पूरा का पूरा सी साइट्स है. और स्पेशली इसको हम सिल्क रूट्स के रूप में भी जानते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग करता था इस रूट्स के माध्यम से. जब हम बात करते हैं इसके पहले तो सिल्क रूट में क्या था कि इंडिया एग्जैक्टली क्या था आर्कियोलॉजिकली अगर देखें तो आर्कियोलॉजिकली जो एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है उस पर कहता है आर्कियोलॉजिकली एविडेंस हैव अ शोन दैट अ ट्रेड ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज द बेस्ट ऑफ इकोनमी ऑफ द एंशियंट इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारे पास जो अवेलेबल है उनसे साफ साफ पता चलता है कि हमारे यहाँ ट्रेड और कॉमर्स हमारी इकोनॉमी का सबसे बेहतर या सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था. देन दैट ट्रेड वॉज वनली द कैरिड आउट बाई द वाटर एंड लैंड ऑफ सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैड एस्टैब्लिश्ड अ कॉमर्शियल कनेक्शन विद द मेसोपोटामिया एंड ट्रेडेड इन द सिल्वर गोल्ड कॉपर कलर्ड जेमस्टोन्स एक्सेट्रास. तो हम इसकी अगर बात भी करते हैं तो हमारी जो बिजनेस या ट्रेड के जो रूट्स रहे हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम सी रूट्स रहे हैं, जिसकी वजह से क्या रहा है कि हमारी जो कल्चर भी डेवलपमेंट जो हुई है, सिविलाइजेशन भी जो हमारी डेवलप्ड हुई, तो आपने देखा होगा हड़प्पा के बारे में आपने सुना होगा, मोहनजोदड़ो के बारे में सुना होगा, मेसोपोटामिया के बारे में सुना होगा. तो ये सारे के सारे जो कल्चर इस्टेब्लिश हुए हैं वो कहीं ना कहीं सी साइट्स पे ही या रिवर सेगमेंट्स पे ही हुए, जहाँ पे सी वेज को कनेक्टिविटी मिल सकती हो. और इनका जो बिजनेस भी रहा है मोस्ट ऑफ टाइम जो ये लोग डील करते थे वो गोल्ड सिल्वर कॉपर और जो कलर्ड स्टोन होते हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उसमें ये डीलिंग करते थे. द पीरियड वॉज मेक्ड बाई द सब्सटेंशियल कॉमर्शियल एक्टिविटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट. देयर वॉज सम ट्रेड रिलेटेड द रिलीजियंस डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वाइंस एंड अदर. अगर हम बात करते हैं समय के साथ साथ, तो समय के साथ साथ हमारे जो ट्रेड एंड कॉमर्स की सिचुएशन रही उसमें भी बदलाव आए. हमने धीरे धीरे क्या किया, जहां हम गोल्ड सिल्वर क्वाइंस यूज करते थे धीरे धीरे हमने उसको क्वाइंस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल क्वाइंस होते हैं. और लेटर ऑन द कॉमन एक्सेप्टेबल वेट एंड मेजर्स वर डेवलप्ड. और समय के साथ साथ हमने क्या किया, कुछ बेसिक्स जो एक्सेप्टेबल्स
वे ऑफ मेथड्स होते थे, चाहे हमारे एक्सचेंज का मीडियम ऑफ मेथड होता हो, जैसे हमने देखा कि पैसे को हमने इंट्रोड्यूस किया, कॉइन्स को हमने इंट्रोड्यूस किया जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक मेथड होता था। देन इसके साथ साथ हमने मेजरमेंट को भी जनरेट किया, जिससे हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को किसी पर्टिकुलर रेट पे क्या करते थे, ट्रेडिंग करने का काम करते थे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हमारे एंशिएंट टाइम से आज के टाइम में धीरे धीरे बदल गई हैं। जब हम बात करते हैं आगे इग्नियस बैंकिंग सिस्टम, अगर बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली है क्या, कहता है विद द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक लेस द फॉलोइंग डेवलपमेंट टू प्लेस। कहता है कि प्रोग्रेस के साथ साथ इकोनॉमी में क्या हुआ, कुछ बदलाव आए। कौन से बदलाव आए? पहला कहता था मेटल क्वाइन बिकम अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के टाइम में जो हम सिक्के यूज करते हैं वो काफ़ी टाइम से धीरे धीरे क्या हुआ, वो हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक सेगमेंट बन गया। हम एक माध्यम के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को परचेज या सेलिंग करने के बेसिस पे। देन सम डॉक्यूमेंट्स लाइक हुंडीज एंड चिट्ठीज वर यूज बाई द बाइंग एंड सेलिंग्स ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे सेल, उधार में लेने और बेचने और खरीदने के बेसिस पे हमने हुंडीज को भी इस्तेमाल करना शुरू किया, कुछ चिट्ठीज को इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि एक लेटर फॉर्म होता था, डॉक्यूमेंट्स के रूप में होता था, लाइक दिस वन, ठीक है, जो कि हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक मेथड होता था, जो कि धीरे धीरे समय के हिसाब से बदलाव में आया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, द वनली बिकॉज वेरी द पॉपुलर वनली द वेल सॉरी अगर देखें तो नॉर्मली यहाँ पे कहते थे कुछ ऐसी सिचुएशन रही जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही, जिसमें अगर हम बात करते हैं जैसे कहते थे वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी इट्स इंडिकेटेड द अनकंडीशनल प्रॉमिस। अगर हम हुंडीज वगैरह की बात करते हैं तो वो ऐसे सिस्टम होते थे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते थे जिनका हम पेमेंट मोड के रूप में इस्तेमाल करते थे, यानी कि हम पेमेंट के लिए यूज़ करते थे, जो कि अनकंडीशनल होते थे, जिसपे कोई बहुत ज़्यादा कंडीशन सप्लाई नहीं होते थे, जो उस पर लिखा होता था उसी के हिसाब से। जैसे यहाँ आगे भी जो सेकेंड पॉइंट हमारा बी पॉइंट कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ वैलिड नेगोशिएशन, और हम उसको क्या कर सकते, उस हुंडीज को कह लीजिए या जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते थे उसको हम बिना किसी निगोशिएशन के इजी वे में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको कोई सामान लेना है तो हम एक हुंडीज जनरेट करके क्या कर सकते हैं, उसको एक्सचेंज कर सकते थे। नॉर्मली द डिफरेंट टाइप ऑफ द हुंडीज आर यूज इन इंडियन मर्चेंट्स। तो हमारे इंडियन मर्चेंट किस किस तरह के हुंडीज को इस्तेमाल करते थे, तो उसमें अगर पहली बात करें दानी जोग की अगर बात करें तो दर्शनीज के रूप में इसको इस्तेमाल करता था। फंक्शन ऑफ हुंडीज की अगर बात करें तो पेबल टू एनी पर्सन, ये ऐसा जो धानी जोग है ये ऐसे हुंडी है जिसको लोग किसी भी तरह के पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे हमारे पास हुंडीज एक डॉक्यूमेंट्स होता है, उस डॉक्यूमेंट्स में वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती थी, लेकिन उसका नाम जो होता था हुंडी होता है, और उसमें हम उसको किस किस लेवल तक के लिए इस्तेमाल कर सकते थे उसकी बात करता था। जिसमें धानी जोग की बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, जो धानी जोग की बात करते हैं तो इसमें जो ये हमारा है तो ये दर्शनी की बात होती है, इसका क्लासिफिकेशन दर्शनी के रूप में देखा जाता था, जबकि इसका जब फंक्शन होता था वो किसी भी तरह के पेमेंट्स के लिए यूजेबल होता था। साजोक की अगर बात करते हैं ये भी दर्शनी सेगमेंट के लिए आता था, और इसका पेमेंट जो होता है स्पेसिफिक पर्सन कर सकता था। नॉर्मली लिखा था पेमेंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन ओनली, लाइबिलिटी ओवर द हु रिसीव्ड द पेमेंट, ये उसके पेमेंट को पे करने के लिए जिसको रिसीव कर, जैसे मैंने मान लीजिए आपको मुझे पेमेंट करना है तो आपके लिए मैंने एक हुंडी जनरेट किया जो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में होता था, और मैं आपको जब तक उसका पेमेंट नहीं करता उसका वेरिफिकेशन भी क्लियर नहीं होता था। तो इस तरीके से बहुत सारे हुंडीज हैं हमारे जो इंडियन मर्चेंट होते थे इसको इस्तेमाल करते थे। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इग्नियस बैंकिंग सिस्टम डिस्प्लेड अ स्पेशल रोल। अगर देखें तो बिजनेस और ट्रेड के चेंजेस होने की वजह से, जैसे जैसे बिजनेस में बदलाव आता चला गया उसी तरीके से हमारे जो ट्रेडिंग सिस्टम थे उसमें भी बदलाव आता चला गया, जिसमें एक बहुत सिंपल सा सिचुएशन रहा कि बैंकिंग सेगमेंट में भी हमारा बदलाव रहा। क्या बदलाव रहा? तो नॉर्मली कहता था पीपल बिगिन टू डिपॉजिट प्रीसियस मेटल ऑफ द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एक्टिंग एज अ बैंकर्स और सेठ। तो पहले लोग क्या करते थे, अपने बहुत ही प्रीशियस मेटल होते थे, जो भी उनके पास अमूल्य चीज़ें होती थी उनको वो क्या करते, सेठ वगैरह के पास जाके जमा करते थे, जो एक डिपॉजिटर के रूप में काम करता था, एक बैंक सिस्टम के रूप में काम करता था। तो दीज बैंकर्स एंड सेल्स बिकम द इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द मनी फॉर द प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। तो ये लोग क्या करते थे, उसको अपने पास रखते थे, लेकिन ये लोग क्या करते थे, अगर आज के टाइम में देखें तो बैंक हमसे जो पैसा लेता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता था, कुछ इसी तरीके का काम ये लोग भी करते थे। और ये लोग इन्वेस्ट करते थे किसमें, प्रोडक्शन को जनरेट करने में। नॉर्मली अगर देखें तो इग्नियस बैंकिंग प्ले अ स्पेशल रोल इन लीडिंग द मनी
एंड द फाइनेंसिंग द डोमेस्टिक स्टेट। अगर आज के टाइम की वो बात करें तो इग्नियस बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, हमारा आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्या करता है, हमें फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है जिससे हम डेवलपमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो अगला हमारा टॉपिक जो आता है एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक डोमेस्टिक और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ऑल्सो हैव टू जनरेट द सरप्लस एंड सेविंग्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली आज के टाइम में देखें तो हम लोग बहुत सारा क्या करते हैं, पेट फार्मिंग करते हैं। पेट फार्मिंग में होता है क्या कि हम उनको थोड़े समय के लिए उनको पालते पोसते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं उनके उनको फिर जब एक पर्टिकुलर एज में आ जाते हैं वो या उनकी अपनी पर्टिकुलर वेट रहती है तो हम उसको सेल करके प्रॉफिट को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन रही, पहले टाइम में भी हम लोग क्या करते थे, लोग पेट फार्मिंग करते थे। तो नॉर्मली क्या, ड्यू टू द फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन द पीपल ऑफ इंडिया वर एबल टू रिच 2 or 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। अगर आज के टाइम की अगर बात करते हैं या इसी टाइम की बात करें तो फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से क्या है कि हमारे जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक साल में 2 or 3 तरह के क्रॉप्स को कल्टीवेट करने का काम कर लेते हैं। देन कहता है इन द एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर द रिस्टोरिंग द 2 वेविंग्स डाइंग्स फैब्रिक मेकिंग क्ले पॉट्स कॉटन कॉटेज इंडस्ट्रीज मॉन्थ मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन दे वर एबल टू जनरेट द सर्कुलर इन इन्वेस्टमेंट। तो अगर देखें आज के टाइम में तो एंशियंट टाइम में और आज के टाइम में दोनों में लगभग सिमिलर सिचुएशन है। आज अगर हम बात करते हैं कि हम क्या करते थे, हमारे पास जो पैसे होते थे हम उसको इन्वेस्टमेंट करने का काम करते थे। इन्वेस्टमेंट कहाँ क्या होते थे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द एडिशन द एग्रीकल्चर बाई रिस्टोरिंग द 2 वेविंग्स। तो वो वेविंग करने का काम करते थे, रिस्टोरिंग के बेसिस पर कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको हम कॉमर्शलाइजेशन के पर्पज़ पे यूज़ करते थे। डाइंग फैब्रिकिंग मेकिंग करते थे, फैब्रिक को डाइंग करने का काम करते थे। क्ले पॉट बनाते थे इंडस्ट्रीज़ के लिए, हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करने का काम करते थे। तो ये तमाम तरह की चीज़ जो रही हैं वो हमारे एग्रीकल्चर सेगमेंट से हमेशा हमको मिलती रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ कारखाना और वर्कशॉप शॉप्स। जब वर्कशॉप की बात करें या कारखाने की बात करते हैं तो जैसे कहता है हियर द स्किल मींस द आर्टिशियन वर्क्ड एंड द कन्वर्टेड एज अ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स द फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम वाज पार्टिसिपेटेड फैक्टर साइट्स सो दैट देयर आर स्किल्ड कुड बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। पहले हाँ सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ की अगर बात करें तो आपको पता है कि हमारी जो कल्चर रहा है वो हैंडीक्राफ्ट बेस्ड रहा है। हमारे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए, तो उसमें क्या होता था कि हम जिस इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते थे अब वो इंडस्ट्रीज़ को क्या करते, जैसे मान लीजिए पापा ने क्या किया, उनके पास कुछ स्किल है उन्होंने अपने बच्चे को दिया, उसने अपने बच्चे को दिया, इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन स्किल हमारा ट्रांसफर रहता था। और स्किल्स का सेंस क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, एक आर्टिशियन के जो स्किलफुल पर्सन होता है वो एक आर्टिशियन के रूप में होता है जो क्या करता है कुछ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। नाउ जब हम बात करते हैं राइजिंग रेज ऑफ इंटरमीडिएटरीज की अगर बात करते हैं, इंटरमीडिएटरीज का जो डेवलपमेंट रहा, इंटरमीडिएटरीज जो हमारे साथ आए उनकी सिचुएशन में क्या रहा, तो नॉर्मली कहता है इंटरमीडिएटरीज ट्रीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन ऑफ स्टेट इट्स इंक्लूड। इंटरमीडिएटरीज की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनिशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे क्या है कि हमारे पास फैक्ट्री है लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो उस रॉ मटेरियल को पूरा करते हैं हम कहाँ से, इंटरमीडिएटरीज के। इंटरमीडिएट इज दैट पर्सन हु वर अ मीडिएट बिटवीन टू फर्म्स। इंटरमीडिएटरीज में वो फर्म्स या पर्सन आते हैं जो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट करने का काम करते हैं, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप जनरेट कर, जिसे रॉ मटेरियल किसी से लिया और उसको कंपनी तक पहुंचाने का काम किया। अब वो कंपनी वाला अपना प्रोडक्शन मेंटेन कर रहा है और ये रॉ मटेरियल को मेंटेन करने का काम कर रहा है, तो वो इंटरमीडिएटरीज के रूप में होता है। जैसे इसमें लगता है कमीशन एजेंट ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर होल सेल्स एंड रिटेल ट्रेड्स, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं। कंपनी सीधे कस्टमर तक नहीं पहुंच पाती, कई बार ज़्यादातर नहीं पहुंच पाती है, तो वो क्या करती है इंटरमीडिएटरीज का इस्तेमाल करती है। वो होलसेलर्स को देती है या कमीशन एजेंट को देती है, और वो होलसेलर्स को होता है, होलसेलर रिटेलर्स को होता है, रिटेलर्स हम तक पहुँचाने का काम करता है। तो ये एक सिस्टम काम करता है। इसमें जिससे देख लिया जाए दे हेल्प इन द एक्सपेंडिंग द ट्रेड एंड बॉट द ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर्स बिलियंस इन टू द एशिया एंड द लार्ज देयर इन इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ पे जो कहने का सेंस ये है कि अगर हम बात करें इस तरह के इंटरमीडिएटरीज की वजह से क्या हुआ, एशिया और इंडिया दोनों में बहुत बड़ी मात्रा में बिजनेस को एक्सपेंड करने का काम किया गया।
इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ। जगत सेठ भी क्या करते थे, मुगल के टाइम के एक मुगल पीरियड के ये सेठ हुआ करते थे, जिसे कि कह सकते हैं कि जमींदार या धनाढ्य पर्सन होते थे, जो बैंकर्स के रूप में काम करते थे और ये एक तरीके से ये लोगों को पैसे देने का काम करते थे और उस पर रिबेट्स के बेसिस पे, रेंट के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे रिटर्न्स को भी लेते थे। नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, तो इसमें कहता था इमरजेंसी ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एनहेंस द कॉमर्शियल एक्टिविटीज इंडिया जॉयड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वर वेयर द एक्सपोर्ट एक्सीड द इम्पोर्ट। अगर देखें तो यहाँ पे जो बात करते हैं, हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं अभी तक, तो इंडियन हिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो पहले की सिचुएशन में क्या था, हमारे पास जो अपनी ट्रेड इंडस्ट्रीज़ थी, हमारे पास फेवरेबल सिचुएशन होने की वजह से रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल थे, अवेलेबल होने के साथ साथ हमारे पास जो स्किल था वो बहुत अच्छा था, तो हम अपने प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके वाइडली क्या करते थे, उसको बेचने का काम करते थे, दुनिया तक पहुँचाने का काम करते थे। वो यही चीज़ कह रहा है कि इमरजेंसी ऑफ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एनहेंस द कॉमर्शियल एक्टिविटीज। ये दोनों चीज, क्रेडिट ट्रांजेक्शन और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, दोनों चीज़ों के होने की वजह से क्या था कि जो हमारी कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट होती थी, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती थी, वो हम आसानी से फुलफिल कर सकते थे, जिसकी वजह से हमारे पास मटेरियल भी होता था और हम वर्ल्ड वाइड इसको बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से अगर देखें एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से हमारे इम्पोर्ट्स क्या थे, कम थे। पहले नॉर्मली कहते हैं इग्निस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर ट्रेड्स ट्रेडर एंड द मर्चेंट विद द एडिशनल कैपिटल फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ लेटर ऑन द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड द बोथ शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग लोन्स। अगर हम दोनों की बात करें, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म लोन्स वो लोन होते हैं जो विद इन ईयर्स के लिए लेते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए लेते हैं, और लॉन्ग टर्म होते हैं जो कुछ सालों के लिए लेते हैं। तो हमारे अपने इस तरह की बैंकिंग सिस्टम में भी ये चीज़ें फैसिलिटीज अवेलेबल थी, और जब अवेलेबल थी तो हमारे जो इंडस्ट्रीज होती थी उनके लिए जब भी जरूरत होती तो फाइनेंस हमारे लिए ईजी वे में अवेलेबल हो जाता था। सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल, थैंक यू।